वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्नितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नितानंदसोदितं श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजनों समायुक्तं बिंदावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीय पात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुन्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्यहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित कमपि कपोदुषु अदर्शि पूर्णानुरागर ससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आयानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणाम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं। आगीषजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयं संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। निखिलो श्रुतिमौलिरत्नमाला दुती निराजित पादपङ्कजान्तो अयि मुक्तगोलैरपस्समानं परिस्तस्यं हरिनाम संशयामि निखिलो श्रुतिमौलिरत्नमाला दूती निराजितो पादो पंकजान्तो अयि मुक्तगोलैरपस्समानं परिस्तस्यं हरिनाम संशयामि। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताएं, यह हम लोग हरिनाम का सेवक है। किसी व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद को पूछा जो क्या हम लोग हरिनाम का सेवक है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने उत्तर दी, निश्चित रूप से हम लोग हरिनाम का ही सेवक। आत्मस्वरूपे कृष्ण स्वरूप में स्वरूपावस्था में कृष्ण सेवा छोड़कर हम लोग का कोई कृत्य नहीं है। आत्मस्वरूपे कृष्ण स्वरूपे समझने का कोशिश करें। आत्मस्वरूपे माने जब भगवान स्वयं उपस्थित हैं विग्रह का रूप में, सब जब भगवान नाम का भगवान जब भक्तों का रूप में है हर अवस्था में इन लोगों का सेवा करना हमारा काम है। अर्थात रूप नाम, गुण नाम, परिकर नाम, वैशिष्ट नाम, लीला नाम, तमाम ये जो अपराकित तो नाम प्रभु का सेवा जरूरी है हर वक्त। कृष्ण नाम और कृष्ण वस्तु एक ही है। काल भी ये चर्चा की। बहुपात कहते हैं हरिनाम करना और हरि का साथ मिलना एक ही बात है। कृष्ण नाम ही एक कृष्ण वस्तु है स्वयं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए श्री नाम सेवा मतलब कृष्ण सेवा है। जब भी हम लोग कृष्ण सेवा या कृष्ण नाम सेवा याद नहीं रखते, ये एक है, हम लोग की याद नहीं रखता, हम लोग की याद नहीं रहता है कृष्ण सेवा व कृष्ण नाम सेवा, हम लोग भूल जाते हैं। जब हम लोग ये विचार भूल जाते हैं, कृष्ण सेवा और कृष्ण नाम सेवा जब भूल जाते हैं, तब हमारा स्वरूप विस्तृति हो जाता। जब हमारा स्वरूप विस्तृति, मैं कौन हूँ, ये भूल हो जाता। जब हम लोग भूल जाते हैं कृष्ण सेवा और कृष्ण नाम सेवा एक ही है, और कृष्ण सेवा इन डिफरेंट फॉर्म, कृष्ण कृष्ण का धाम नाम सब कृष्ण सेवा ही है। एक कृष्ण सेवा अथवा कृष्ण नाम सेवा जब हम लोग भूल जाते हैं, तब हमारा स्वरूप विस्मृति हो जाते हैं। और विरूप जो श्रील संत गोस्वामी महाराज गुरुदेव दयामय जो कीर्तन में लिखा है ना, गुरुदेव दयामय ये जो कीर्तन में लिखा है ना, स्वरूपे विरूप भावी मोर मोहन मायाते आकृष्ट है। ये कीर्तन आप लोग शायद जानते होंगे, हमारा ख्याल सब जानते हैं। नहीं जानते, क्यों? गुरुदेव दयामय, गुरुदेव दयामय, ये कीर्तन हर आदमी जानता है, बहुत विख्यात कीर्तन है गुरुदेव दयामय। और इसमें लिखा हुआ है विरूपे स्वरूप भावी मोर मोहन मायाते आकृष्ट है। एकदम डायरेक्ट फीलिंग, that is the direct feeling of Santa Goswami Maharaj, not philosophy. विरूपे स्वरूप भावी मोर मोहन मायाते आकृष्ट है। जो विरूप है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं कोई प्रजा नहीं हूँ, ना हम विप्र नौच नरपुतिर ना पी वैश्य न शूद्रो, ना हम वर्णी नौच गृहपुतिर न वनस्थ ज्योतिर्वा, किंतु प्रद्वन निखिल परमानंद पूर्ण मिताधेर गोपी भरतुर पदकुमर दासो दासन दास। ये बात जो है महाप्रभु जी ने पहले ही खुलासा कर दिया, लेकिन कोई समय नहीं पाते। महाप्रभु जी ने बताया हमारा परिचय ये नहीं है, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने कई बार चर्चा कर चुका जो अनंत ब्रह्मांड में कई भी कोई भी टाइटल है, मैं अच्छा खिलवाड़ हूँ, सब कुछ सारे माया के द्वारा विरोचित है। ये मेरा असली परिचय नहीं है, और असली परिचय दिलाने के लिए, असली परिचय मेरा क्या है इसको दिलाने के लिए गुरु वैष्णव हर वक्त चेष्टित सचेष्टित है, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता। अपना स्वरूप का परिचय एकमात्र तो गुरु कृपा के द्वारा ही प्रकटित हो जाते हैं। अपना मनमानी चलने से कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, ये संभव नहीं है। जो महाप्रभु जी ने बताए यही बात, हम ना हम विप्रो, हम ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं, खुद शूद्र नहीं, न राजा नहीं, पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा एक ही परिचय है, मैं नाम प्रभु का दास हूँ, अर्थात कृष्ण का दास हूँ। जब हमारा जिंदगी में विस्मृति आ पहुँचता है, विस्मृति कब होता है? माया के द्वारा विक्षेप विस्मृति, विक्षेप विस्मृति निरवच्छिन्न चिंता का, निरवच्छिन्न कृष्ण भगवान, निरवच्छिन्न भगवान श्री कृष्ण का या धाम नाम का चिंता का, निरवच्छिन्न चिंता का, अनइंटरप्टेड दर्शन का रुकावट होता है बीच में। इसके लिए कौन जिम्मेवारी है? माया जी, हम ही खुद जिम्मेवारी हैं। Whom to blame? Whom to blame? I am responsible for myself। तो आप जो जब भूल जाते हैं तब स्वरूप विस्तृति होने का बाद विरूप अवस्था हो जाते हैं। माया का प्रभाव के द्वारा मैं प्रभावित होते उल्टा रास्ता में चलना शुरू कर दी। बड़ा दुख मिलता है, बड़ा दुख मिलता है। गुरु कृपा के द्वारा जब हमारा जिंदगी में संबंध ज्ञान हो जाता है, जागरूक हो जाता है। गुरु कृपा के द्वारा श्री गुरु कृपाए भेंगे सपन एखोनो बुझिनो तुमी आपन, संत गोस्वामी लिखा श्री गुरु कृपाए भेंगे सपन एखोनो बुझेछि तुमी आपन। ये जो सुंदर कीर्तन है, अब हम समझ गया कि तुम ही मेरा अपना हो। जड़ जगत में जो लव अफेयर होता है ना, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, ये सब बेकार की बात है। कोई किसी का नहीं है दुनिया में, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। महाराज हमारा जाने का टाइम हो तो हम हरिबल होके चल जाएंगे। हमको जो प्यार करने वाली वो नहीं जाएगी मेरा साथ, सब बेकार है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोला जब हम भूल जाते कृष्ण सेवा, कृष्ण सेवा, नाम सेवा, जब ही स्वरूप विस्तृति होने के कारण विरूप अवस्था माया का कबल, माया का प्रभाव में प्रभावित होकर हमको दुख मिलता है, दुनियादारी का दुख। गुरु कृपा के द्वारा जब संबंध ज्ञान का जागरूक हो जाता है तब तो हम समझ पाते हैं कि हम कृष्ण का नित्य दास है, हम कृष्ण का नित्य दास है। ब्रह्मांड भूमित गुरु भगवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद भाई भक्ति राज। अनंत काल से माया का प्रभाव के द्वारा घूमते घूमते जब हम पहुंच पाते हैं, जहाँ हम कृष्ण का नित्योदास है, इसी का नाम है संबंध ज्ञान। एवं उपनिषद का, ईशोपनिषद का वो बातें एवं ईशोपनिषद का ये बातें हमारा समझ में आता है। ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगदम जगत तेनो त्यक्तेन भुंजिता माँ कश्य सिद्धन। पोपात कह रहे हैं उस समय हमारा समझ में आता है दुनिया में कोई भी वस्तु मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का सेवा का वस्तु है, सेवा का वस्तु है। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारित है संसार आदि। कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारित है संसार आदि। कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण बोली से जीव अनादि बहिर्मुख, ये तो पक्का बात है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि जीवों का माया का बाहर जाना संभव नहीं, हर हालत में संभव है, हर हालत में संभव है। कृष्ण बोली से जीव अनादि, अनादि काल से माया अनादि कमर कर्म फले परिभवार नव जले त्वरी बारे नादे की उपाय, याद है ना कीर्तन। लेकिन ये जो अनादि बहिर्मुख भाव जो है जीवों का अंदर में, जो अनादि बहिर्मुख भाव एवर्सिव एटीट्यूड है, ये हर हालत में जा सकता है। वो कैसे? भले गुरु वैष्णव का संग, नहीं तो होना संभव नहीं। क्यों? बद्धजीवों का जवान पे, बद्धजीवों का जवान पे हरिनाम उच्चारण होना संभव नहीं है। गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा सारे अनर्थ चले जाए, उसके बाद शुद्ध हरिनाम उतार सकता। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है, इसीलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने लिखा है अतः कृष्ण नामादि नौ भवेद ग्राज्यमेंद्रिय सेवन मुखे ही जीवहाय हैं जीवहादो स्वयं बस पूर्ति। रूप गोस्वामी बस स्वयं लिखा है बद्धजीवों का हिम्मत नहीं है कि कृष्ण नाम कर ले, सबसे गंभीर विषय है एक कृष्ण नाम उच्चारण करना। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिय ग्राह्य वस्तु न है, क्योंकि हरिनाम इस जगत का कोई वस्तु नहीं है। अप्राकृत वस्तु को भू, अप्राकृत वस्तु को भू प्राकृत गोचर न है। इंद्रियोग्राह्य सेंस ऑर्गन के द्वारा सेंसुअल परसेप्शन होना संभव नहीं, इसलिए अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यो मेन्द्रियोई। तो फिर कैसे? मैंने सेवन मुखे ही जीवादो स्वयमेव स्फूर्त्य। जब हमारा सेंस ऑर्गान, जितना सारे इंद्रियां हैं और मन है, कृष्ण सेवा के लिए व्यस्त हो जाए, उन्मुख हो जाए, सेवनमुख, उस समय जबान पे हरिनाम स्वयमेव स्फुरित ऑटोमेटिकली उदित होता है। मतलब ये है हरिनाम का ऊपर कोई प्रेशर, कोई कंट्रोलिंग पावर चलेगा नहीं। हरिनाम सब प्रकाश वस्तु, हरि एवं हरिनाम, हरि और हरि, हरिनाम और हरि, ये स्वयं सब प्रकाश वस्तु है, इसका ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। हम हरिनाम कर लेंगे 1 लाख, ये अहंकार की बातें हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान भक्तिविनोद ठाकुर क्यों लिखा है हम कर लेंगे हरिनाम? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्यों लिखा है? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है ना, जे नाम रूपे उदय होकर हम लोगों पर कृपा, कृपा का वर्षा, कृपा का वर्षा कर रहे हैं, कृपा का वर्षा कर रहे हैं। जयो जयो हरि नाम चिदानंदो मितो धाम परतत्तो अक्षरो यकरो निजजने कृपा करी नाम रूपे अवतरी जीवे दया करिले अपारो। जय हरि कृष्ण नाम जगजनो सुविश्राम सर्वजनो मनसोरंजन मुनिबिंदो निरंतरो जेन मेरो समादरो करिगाय भरिया वदन। ओ हे कृष्ण नामाक्षरो तुमी सर्वशक्ति धरो जीवेरो कल्याण वितरणे। इतना सुंदर कीर्तन है मानो कि भक्तिविनोद ठाकुर हरिनाम का चेहरा क्या है, स्वरूप क्या है, क्या भाव है, क्या कुछ नहीं, सब उठा के एक पिक्चर बना के एक पिक्चर खींच के गोलोक वृंदावन से एक फोटो खींच के हमारा पास भेजना चाहा एज इट इज। ऐसा ही भक्तिविनोद ठाकुर का महिमा है, ऐसा ही महिमा, इतना पावर है जो मानो लगता है कि एक फोटो खींच के भेज दिया। अरे गोलोक में तो जाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो गोलोक में क्या है ये खींच के भेज दिया, देख ऐसा है। आहा, इसका बावजूद हम लोग निकम्मा बैठे हैं, कुछ नहीं कर पाते। बड़ा आश्चर्य की बात है। ये संबंध ज्ञान उदय होने का बाद भगवान के साथ अप्रकृत संबंधों जोड़ने का बात, हम लोग कृष्ण के नित्य दास है, और इसका साथ साथ ये भी अनुवाद होगी जे हम किसी वस्तु भोगने का लिए नहीं आए हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगतम जगत तेनो त्यक्तेन भुंजिता मां कस्य सिद्धनम्। ये जगत का किसी वस्तु व व्यक्ति, कोई लड़की लड़का, किसी वस्तु धन दौलत, किसी का ऊपर लोभ मत करो, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं। ये सारे भगवान का सेवा में हैं, और गुरु वैष्णव अपना आदमी हैं, भगवान अपराकृत है, भगवान का नाम भगवान अभिन्न है। ये सब अनुभव करने का बाद वास्तविक रूप में भगवान का सेवा हो सकता, उसका पहले नहीं। जो महाप्रभु जी ने बताए कि भोजने कि शयने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बधने, कि भोजन में कि स्वयं में जागरण में घुरते फिरते चलते फिरते कुछ भी हर वक्त हरिनाम बोलते चलो। कि भोजने कि शयने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बोला हो, हर वक्त कृष्ण का चिंता करो और कृष्ण का नाम रटना करते चलो, यही है। तो जो महाप्रभु का उपदेश है इसके द्वारा क्या माने होता है, जो लोग प्रभुपाद जी ने बताए, जो लोग संसार सिंधु से पार होकर जाना चाहता है, जो लोग संसार सिंधु से पार होकर जाना चाहता है, जो लोग नित्य सुख क्या है इसका अनुभव करना चाहता है, इटर्नल ब्लिस नित्य सुख, ये लोग जरूर श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश का द्वारा प्रेरित होकर हर वक्त नाम संकीर्तन करें। नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय, हर्षे करे सुनो स्वरूप रामाराय, हर्षे विथ लाफिंग मूड, हंसते हुए महाप्रभु के हर्षे कहे प्रभु सुनो स्वरूप रामाराय। नाम संकीर्तन कलौ परम उपाय is a divine panacea for this, particularly for this Kali, for all Juga, for all Juga. हर युग के लिए हरिनाम इफेक्टिव है, ये हम काल भी साबित करके दिखा दिया। हर वक्त भगवान का नाम कीर्तन करते चले, जबान पे कुछ ना आए, कुछ ना आए। ये महाप्रभु का डायरेक्ट उपदेश है। इसीलिए भक्त लोग सब जो भगवान को प्यार करता है, चैतन्य महाप्रभु को, अपने को श्री नाम प्रभु का सेवक मानता है। कीर्तन हर वक्त, नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, परिकर वैशिष्ट कीर्तन, सारे कीर्तन नाम प्रभु का एक्सटेंसिव प्रकाश। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त लोग हैं, अनुगमनकारी जो भगवान का भक्त है चैतन्य महाप्रभु का, ये लोग अपने को श्री नाम का सेवक बोल के जानता है। यहाँ तक कि महाप्रभु जी ने ऐलान कर दी, जो मैं लक्षपति नंबरदार, जो लक्षपति नंबरदार है उसका हाथ में मैं खाता हूँ। तो आदमी हैरान हो गया, भक्त लोग इधर लक्षपति, तो हमारा पास तो कुछ पैसा वैसा नहीं है, गरीब है, तो हमारा हाथ में आप, ओहो आप समझा नहीं, आप समझा नहीं क्या बोलना चाह। लक्षपति मतलब जो 1 लाख नाम करता है, किंतु संपत्ति तो हरिनाम है। आप मानो ना मानो ये फर्क नहीं पड़ता, आप मानो या नहीं मानो तो आपका रुचि है, लेकिन महाप्रभु जी ने साबित करके दिखा दिया हरिनाम एकमात्र संपत्ति। जो लखपति जो नंबरदार है, 1 लाख नाम करने वाले, उसका हाथ में मैं खाता हूँ, बाकी किसी का हाथ में खाता नहीं, वो जल भी पीता नहीं मैं। महाप्रभु क्या है? तो भक्त लोग चिंतित हो गए, तो हम लोग हमारा पास तो लाखों रुपया नहीं है, गरीब है। महाप्रभु जी मैं, आप समझा नहीं, मैं लक्षपति किसको बोलता हूँ जानते हो? जो 1 लाख नाम आदर के साथ करते रहते हैं, जो 1 लाख नाम करते रहते हैं उसको ही मैं लाखपति बताए। तो भक्तों लोग बिना किसी बहस भक्तों लोग मान लिया कि हमको 1 लाख नाम करना है, यही प्रभु का रुचि है, यही प्रभु का इच्छा है। भगवान का इच्छा पूर्ति करना ही भक्ति है, ये शुरुआत में बताया था। सो भगवान अगर 1 लाख नाम हम करने से भगवान संतुष्ट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं हम कर लेंगे, रात को सोने में बहुत टाइम लग जाए फिर भी करना पड़ेगा, नहीं तो भगवान को संतुष्ट करना संभव नहीं है ना। सो गौड़ीय भक्तगण, महाप्रभु का जो आदर्शों को मानने वाले, ये अपने को नाम प्रभु का सेवक मानता है, एवं जगत में प्रत्येक जीव को व्यक्ति वस्तु को कृष्ण भोग्यो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट बाय कृष्ण के द्वारा भोग्य वस्तु है, कृष्ण भोग्यो, प्रत्येक वस्तु को कृष्ण सेवर उपकरण ज्ञान करता है। श्री कृष्ण नाम अखिल और सामृत सिंधु, कृष्ण नाम क्या है? अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण नाम अखिल रसामृत सिंधु। जब महाप्रभु इलाहाबाद में रूप गोस्वामी के सामने भगवान श्री कृष्ण रूप रस गंध स्पर्श बोलना चाहा तो पागल बन गया, बोले रूप मैं इतना साहस किया, भगवान श्री कृष्ण का रूप गुण लीला परिकर तुमको दिखाए, रूप नाम, गुण नाम, लीला नाम, परिकर नाम हम दिखाने गया, लेकिन आखिर मानो कि कृष्ण अखिल और सामृत सिंधु, अखिल मतलब इन्फिनिटी, ब्रह्मांड में अपराकित प्राकित जो भी है सबका अखिल और सामृत सिंधु। Krishna is the source of all rasa. Krishna, Sri Krishna Naam, Akhil Rasamrita Sindhu. Sri Krishna Naam ko Mahaprabhu Ji ne khud bataya. Je roop Sri Krishna Naam ko Akhil Rasamrita Sindhu maan lo. क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है तब अल्प स्फूर्ति पाए उग्रता दूरे जाए लिंग भंग होय अनायासे। दूसरा कीर्तन में दूसरा जगह दूसरा कीर्तन में भक्तिविनोद ठाकुर लिखा है ईशद विकसी पुनः देखाय निजोरा नृपुगुण चित्र हरि लय चित्त हरि लय निजो पास। ये सब कीर्तन के द्वारा प्रमाण दिया जे कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल रसा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्राकृत अपराकृत एनीवेयर व्हाटएवर रस, ऑल कमिंग फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स रसो वैशो रसो ही एव अयम लब्धानंदी भवति। उपनिषद का कहना है श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद विग्रह। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था बंगाली कथा में जो भगवान दास बाबा जी महाराज नाम ब्रह्म का सेवा करते थे। ये जो अक्षर है ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इसी को ही पूजा करते हैं। नाम ब्रह्म श्रीपाठ कालना में है। कभी नाम ब्रह्म छोड़कर विग्रह आदि पूजा नहीं करते थे, नाम ब्रह्म का सेवा करते थे भगवान दास बाबा जी महाराज। हमारा भी बहुत सारे गुरुवर्ग है नाम प्रभु का, कृष्णनाथ बाबा जी महाराज आदि नाम प्रभु का अर्चन करते थे, सेवा करते थे, नाम सुनाते थे। सो कृष्ण नाम अखिल रसामृत सिंधु, इसमें कोई शक नहीं है। श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद विग्रह नाम नामी अभिन्न त्वात्व नाम नामिनो, हमने बताया था काल, याद है ना, याद है ना, आपका याद है ना, हमने बताया था अभिन्न त्वात्व नाम नामिनो पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो, ये हमने बताया था। पद्म पुराण में लिखा हुआ है जो हम 3 दिन पहले बताया था। तो श्री कृष्ण नाम सच्चिदानंद विग्रह, श्री कृष्ण नाम ही श्याम सुंदर जसोदानंदन अखिल रसामृत मूर्ति। श्री कृष्ण नाम का सेवा ही साक्षात कृष्ण सेवा। जब गैपिंग रहित हो जाए, जब गैपिंग माया और मेरे बीच में जो गैपिंग है, जो कृष्ण का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट को रियलाइजेशन किए रुकावट है। आज मेरा रुकावट क्या है? आज मेरा ये जो रियलाइजेशन के लिए कृष्ण कृष्ण नाम एक है, इस रियलाइजेशन के लिए, ये रियलाइजेशन के लिए रुकावट है। कौन सी रुकावट? माया का रुकावट। बिटवीन मी एंड भगवान देयर इज वन गैपिंग। एक गैपिंग मिट जाने का साथ साथ ये जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग है, ये गैपिंग मिट जाने का साथ साथ कृष्ण ही अखिल रसामृत सिंधु, कृष्ण ही श्याम सुंदर जसोदानंद, ये समझ में आता है। तब ये अनुभव में उतारता है जो अखिल रसामृत सिंधु श्री कृष्ण नाम सेवा ही वास्तविक कृष्ण सेवा। इसीलिए भक्तगण, इसीलिए भक्तवृंदो भक्त लोग श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के द्वारा ही हर वक्त कृष्ण सेवा करके गुरु कृष्ण का सुखाभिधान, गुरु कृष्ण का सुखाभिधान, गुरु कृष्ण का सुखाभिधान करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। कैसा? इसीलिए श्री कृष्ण नाम ही साक्षात कृष्ण सेवा। इसीलिए भक्तगण, शुद्ध भक्तगण नाम कीर्तन के द्वारा, नाम कीर्तन के द्वारा ही हर वक्त कृष्ण सेवा करके गुरु कृष्ण का सुख विधान करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। ये नियम है। हमने बताया भक्तिविनोद ठाकुर का अनुगत्य में जो हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नस्तेव 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 गतिरो, विशेष करके कलिकाल का विषय बताया। जब भी आप जानते होंगे कलिकाल छोड़कर दूसरा काल में भी नाम हर वक्त इम्पोर्टेंट है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है, नाम से बढ़कर और कुछ है ही नहीं, नाम सबसे बड़ा है। हरि से बड़ा हरि का नाम, जिसके कारण हनुमान जी महाराज हमारे पूर्व आचार्यों राम नाम लिखते हुए शिला में पाथर में फेंक दिया समंदर में और राम सेतु बना दिया। कौन किसने बनाया? हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने साबित कर दिया, स्वयं राम उपस्थित है, लेकिन राम का नाम एक एक पत्थर के जय श्री राम लिख के पत्थर में फेंक दिया। राम नाम का इतना प्रभाव है पत्थर तैरने लगे। ये कोई गप नहीं है, ये सच्चा हकीकत है। तो फिर हमारा ऐसा ही लिखा हुआ है शास्त्र में, जे दापोरे अलग भजन, त्रेता युग में अलग भजन और कलिकाल में अलग भजन, सत्ययुग में अलग भजन। और तो ठीक है, लिखा भी है, ठीक है। और एक एक काल का तारक ब्रह्म मंत्र का भी अलग है। एक एक युग में तारक ब्रह्म मंत्र जो है ये अलग अलग है। तारक ब्रह्म मतलब युग को तारण करने वाले, युगों को जो सत्य युग को तारण करके करने वाले जो है तारक ब्रह्म, त्रेता युग को तारण करने वाले तारक ब्रह्म। हर युग में एक एक अलग है। लेकिन ये शास्त्रों का विचार है, भागवत का विचार है, जे कृते जो अध्याय तो विष्णु सत्ययुग में जो ध्यान के द्वारा हुआ करता था, कृते जो अध्याय तो विष्णु, कृतयुग में सत्ययुग में जो हुआ करता था, अभी त्रेतायुग में अलग है भजन का पद्धति। कृते जो अध्याय तो विष्णु, कृते जो अध्याय तो विष्णु, तेतायम जद तो मखोई यज्ञ के द्वारा किया जाए। दापरे क्या तत्परिचर्याम कलौ तद हरिकरुणा, माना सत्ययुग में जो होना था इतना सस्ता नहीं है। त्रेतायुग में ध्यान के द्वारा हुआ करता था, सत्ययुग में ध्यान के द्वारा हुआ करता था, सत्ययुग में ध्यान के द्वारा हुआ करता था। दापर युग त्रेतायुग में जजतो मखोई यज्ञ के द्वारा, आदापुर युग में परिचर्या के द्वारा, कलिकाल में अनायास वो नाम संकीर्तन के द्वारा हो सकता, नाम संकीर्तन हो सकता है बड़ा। तो फिर ये जो विशेष करके ये कलिकाल में जीव अत्यंत तो दुर्बल है, अत्यंत तो दुर्बल है, बेकार है, दुर्बल है, रोग शोक के द्वारा इतना निकम्मा बन गया कि एक टाइम अगर अन्न ना खाए तो ये गिर जाएगा बिस्तारा में, ये अगर अन्न ना खाए तो बिस्तारा में गिर जाएगा, इतना दुर्बल है, इतना दुर्बल है। इसलिए ये व्यवस्था रखा गया पद्म पुराण में, श्री हरिनाम का बारे में बताया गया, जो हमने पहले दिन बताया था। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न त्वात नाम नामिनो, ये हमने बताया था। रूप गोस्वामी बाद इस श्लोक का अर्थ लिखा है, जीव गोस्वामी बाद अर्थ लिखा है, एकमेव सच्चिदानंद रसादि रूपम तत्यम दिदा आविर्भूतम इति अर्थो। जीव गोस्वामी बात क्या लिखा है? भले एकमेव एक ही तत्व, एकमेव सच्चिदानंद रसादि रूपम, एक ही तत्व है ब्रजनंदन कृष्णो, एकमेव सच्चिदानंद रूपम तत्यम दिदा आविर्भूतम इति अर्थो। एक ही तत्व तो अलग अलग रूप में आया है। ये बात भी हमने बहुत बार चर्चा की। यद्यपि अनंत ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब भगवान है, कुछ नहीं और कुछ नहीं है। और एक ही अद्वैत ज्ञान तत्व रहते हुए भी भगवान विभिन्न रूप धारण कर अनंत रूप, हरि अनंत, हरि रूप अनंत। हमने ये भी बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, ये तत्व अचिंत्य भेदाभेद के द्वारा हम लोग समझ पाते हैं। कृष्ण अद्वैत ज्ञान तत्व सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का आविर्भाव दो किस्म का हो सकता है, एक नाम रूप में, एक विग्रह रूप में। नाम रूप में श्री कृष्ण नाम है हमारा सामने, यही है मूल तत्व। जे श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान शक्तिमान जो पुरुष है, इनके समस्त प्रकाश तार शक्ति का प्रकाश ही होता है। शक्तिमान पुरुष का जो भी प्रकाश हो, इसका शक्ति का प्रकाश ही होता है। शक्ति ही तार आधार स्वरूप पुरुष को दूसरे का निकट प्रकट करता है। शक्ति का दर्शन का प्रभाव के द्वारा श्री कृष्ण रूप प्रकाशित तो होता है। सब प्रकाशित तो शक्ति हमने बताया, कृष्ण इच्छा करने से अपने को प्रकट कर सकता है, इच्छा करने से कर सकता है भगवान। तो फिर शक्ति का दर्शन प्रभाव के द्वारा कृष्ण रूप प्रकाशित तो होते रहते हैं। और एवं आहूयो प्रभाव द्वारा बोलते हुए हरे कृष्णा, ये आहूयो माने बुलाने वाला जो प्रभाव कृष्ण नाम के द्वारा कृष्ण नाम विज्ञापित होता है। विज्ञापित माने अपने को प्रकाश करता है, श्री कृष्ण रूप प्रकाशित होता है कृष्ण शक्ति दर्शन का प्रभाव में। हमने कल बताया था ये जो कृष्ण दर्शन का विषय तो बिल्कुल नहीं है, दर्शन का विषय थोड़ी है कृष्ण, कैसे दिखेगा, लेकिन दर्शन का विषय जरूर है। वो कैसे, हमने बताया था भगवान का अनंत शक्ति, उनमें से एक शक्ति का नाम है स्वप्रकाशता शक्ति। इनमें से एक का नाम है स्वप्रकाशता शक्ति, अपने प्रकाश करने का तरीका शक्ति। इसीलिए हमने बोला था श्रीमान महाप्रभु 7 संप्रदाय में नित्य करते हुए राजा प्रताप जी को दर्शन दिया। देखो एक ही जगह एक संप्रदाय में, लेकिन महाप्रभु 7 संप्रदाय में वैभव प्रकट करके दिखवाया, या हर जगह मैं हूँ। तो फिर ये दर्शन शक्ति के दर्शन प्रभाव के द्वारा कृष्ण प्रकाशित तो होता है। एवं आहूव प्रभाव, अतः बुलाने वाला जो कृष्ण नाम विज्ञापित तो होता है। अतः कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप कृष्ण स्वरूप, और एट द सेम टाइम श्री कृष्ण विग्रह स्वरूप भी जरूर है। श्री कृष्ण नाम चिंतामणि का स्वरूप श्री कृष्ण नाम चिंतामणि का बराबर है, स्वरूप चिंतामणि स्वरूप का बराबर। कृष्ण स्वरूप वो चैतन्य विग्रह स्वरूप हो सकता। श्री नाम हर वक्त पूर्ण रूप में, अर्थात कृष्ण नाम पे विभक्ति जो कर कृष्णायो गोविंदायो इत्यादि, ये जो है कृष्ण नाम हर वक्त पूर्ण स्वरूप, अर्थात एक कृष्ण नाम में विभक्ति के द्वारा कृष्णायो नारायणाय इत्यादि मंत्र निर्माण अपेक्षा नहीं करते। दूसरा मंत्र में जैन अपेक्षा करते श्री नारायण नमो कृष्णाय नमो गोविंदाय नमो, विभक्ति जो करके शब्दों को पूरा करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण नाम नारायण ये मंत्रादि निर्माण मंत्रादि है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कृष्ण नाम कोई मंत्र का अपेक्षा नहीं करते, जो मंत्र आने से होगा। कृष्ण नाम चिंतामणि स्वरूप, कृष्ण स्वरूप व चैतन्य श्री कृष्ण नाम सर्वदा पूर्ण स्वरूप, अर्थात इसमें विभक्ति के योग के द्वारा कृष्णायो नारायण गोविंदाय इसको बोलने का अपेक्षा नहीं रखते। कृष्ण नाम बोलने का साथ कृष्ण रस चित्त तत्व सहसा उदित है। कृष्ण नाम बोलने के साथ साथ कृष्ण रस चित्त तत्व में सहसा उदित होता है। नाम हर वक़्त विशुद्ध अर्थात जड़ियों अक्षर आदि नहीं, जड़ो आश्रय का अंदर में नहीं है। नाम केवल चैतन्य रस मात्रो, जड़ों का साथ इसका कोई ताल्लुकात है नहीं। नाम केवल चैतन्य रस मात्रो, नाम केवल चैतन्य रस मात्रो, कंटामिनेशन होने का कोई चांस ही नहीं। नाम केवल चैतन्य रस मात्रो, नाम हर वक़्त मुक्त है, हर वक़्त फ्री है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अतएव नित्य मुक्त है, हरिनाम हर वक़्त नित्य मुक्त है, कोई हरिनाम हर वक़्त मुक्त है, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं है। और कभी भी जड़ वस्तु का साथ इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जड़ से नाम प्रभु का उत्पत्ति सोचा नहीं जाए, सोचना भी अपराध है। जड़ से ये नाम उत्पत्ति नहीं हुई है, जड़ से उत्पत्ति नहीं, ये जड़ से परे है, मायातीत तो वस्तु। जो लोग कृष्ण रस पान किया है, ये लोग ही केवल ये व्याख्या समझने में समर्थ है। यदि अगर कोई लोग कृष्ण नाम ग्रहण किया है, जो लोग नाम रस का पान किया है, ये लोग ही केवल व्याख्या समझने के लिए नाम हर वक़्त मुक्त है, अतः नित्य मुक्त है, कभी भी जड़ों वस्तु व व्यक्ति से उत्पत्त नहीं हुआ है, जड़ के साथ कोई संबंध नहीं है। जो लोग नाम रस आस्वादन किया है जिंदगी में, ये लोग ही केवल ये जो व्याख्या है अपरा की जगत का ये समझ सकता है, बाकी आदमी समझेगा नहीं। जो लोग नाम को जड़ भूमिका के द्वारा आरोप करना चाहता है, स्वयं श्री कृष्ण रसास्वाद में अक्षम है, रस मिलता नहीं, ये लोग ये व्याख्या जो हमने किया है, ये व्याख्या सुनने के बाद आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि हमने जो बोला ये पक्का बात है। ये व्याख्या शोभन करी जो लोग नाम में अभिपूर्ण विश्वास नहीं है, जो लोगों का नाम पे अभी भी पूर्ण विश्वास नहीं, ये लोग केवल यही व्याख्या बुझने में समर्थ है। जो लोग नाम में जड़ो विचार आरोप करता है, स्वयं नाम का कृष्ण चैतन्य रस आस्वादन में अक्षम हो जाता है। ये लोग ये व्याख्या सुनकर कभी भी प्रीति नहीं हो सकता। यदि अगर कहे जे सर्वदाई हर वक़्त जो नाम हम लोग उच्चारण करते रहते हैं वो क्या नाम नहीं है? यदि अगर कहा जाए जे हर वक़्त हम लोग जबान पे नाम लेते रहते हैं, हर वक़्त हम नाम लिखते रहते हैं, हर वक़्त हम नाम उच्चारण करते रहते हैं, तो फिर ऐसे जोड़ियों अक्षर यदि अगर कहे कोई सर्वदा हम लोग, यदि अगर कहे जो हम लोग सर्व हर वक़्त हमरा जो उच्चारण नाम उच्चारण करते रहते हैं, ये तो जड़ अक्षर आश्रय करे, ये तो अपराकृत तो नहीं है। जो अपराकृत शब्द ब्रह्म प्राकृत शब्द ब्रह्म के बारे में बहुत पहले भी हमने बताए, इन दिनों में भी बताए। इस अवस्था में नाम को जड़जात वस्तु भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहा है, जड़ व्यक्ति का जड़ भूमिका में कृष्ण का नाम लेना, ये कृष्ण नाम बिल्कुल नहीं है, ये जड़ जड़ शब्द ब्रह्म। और ये नाम को कभी भी नित्य मुक्तो बोला नहीं जाएगा। कोई अगर ऐसा नाम करे जो नाम नामी में अभिन्न भेद है, सब कुछ है, ये अगर श्रवण करने का बाद विचार करे तो देख पाएगा कि ये बोलना उचित नहीं। ये लोग प्रीतिलाभ अर्थात संतुष्ट नहीं हो पाते। ये लोग ऐसा व्याख्या शोभन करके प्रीतिलाभ करना ये लोगों के लिए असंभव है, क्योंकि ये लोग दूसरा समय चल रहे हैं। यदि अगर कहा जाए कि हर वक़्त हम लोग जो उच्चारण करें ता जोड़ियो आश्रय जड़ो, इसको नित्य मुक्तो नहीं बोला जाएगा। भक्तिविनोद ठाकुर भी बोला, रूप गोस्वामी पद अतः कृष्ण से कृष्ण नामादि नव भवेद गाजवेंद्री सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फूर्ति होता प्रकृत वस्तु ही इंद्रिय ग्राह्य होता है। फॉल्स कोई वस्तु फॉल्स है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये कैसे इंद्रियों के द्वारा अनुभव का विषय। प्राकृत वस्तु जो मेटेरियल जगत में वास्तविक है, प्राकृत वस्तु के साथ इंद्रियों का संयोग होने से, प्राकृत वस्तुओं का साथ इंद्रियों का कांटेक्ट संयोग होने से एक एंजॉयमेंट होता है। प्राकृत वस्तु इंद्रियों ग्राह्य, लेकिन कृष्ण नाम अपराकृत, ये कभी भी इंद्रिया के द्वारा समझने वाला चीज़ नहीं है। तो कभी जीवा में नाम उतार आता है, प्रकाशित होता है, जब नाम सचमुच, जब सचमुच नाम जबान पे उतार आता है, उस समय आत्मा का जो अपराकृत तो आनंद है, ये आनंद प्रकाशित हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू दैट ये जो आनंद आत्मा का हुई है, ये आनंद का अनुसार तदुपयोगी इंद्रियों का स्फुरन भी ऐसा होता है। जब पूर्ण नाम उदय हो तो इंद्रियों पूरा इंद्रियों सहयोग करेगा। इंद्रियों सब भक्तों, जब तक आत्मा का अपराकृत तो जीव है नाम उच्चारण करते हैं, तब वही उच्चारित परम तत्व प्राकृत तो जीव है आविर्भूत होकर नृत्य करना शुरू कर देते। आनंद के द्वारा हास्यो स्नेहो व क्रंदन इत्यादि प्रीति के द्वारा, आनंद के द्वारा हास्यो स्नेह के द्वारा क्रंदन प्रीति के द्वारा नृत्य, ये सब जिस रूप में प्राकृत रस में इंद्रियों पर्यंत व्याप्त होके हमको सहयोग करता है, और हमारा जीवा में अपराकृत नाम नित्य करना शुरू कर देता है। प्राकृत जीवा में कृष्ण नाम में जन्म होता नहीं, प्राकृत जीवा में अपराकृत नाम का जन्म लेना संभव नहीं। और साधन समय जब साधन करे, साधन काल में जो नाम का अभ्यास है, तब वो भी वास्तविक नाम नहीं है, इसको नामाभास बोला जाए। साधन करने का समय में जो नाम उच्चारण होता है, ये भी वास्तविक नाम नहीं है, इसको नामाभास बोला जाए। नामाभास में जीवेर नामाभास के द्वारा जीवों का ग्रेजुअल प्रमोशन क्रमोन्नति वैदिक क्रमे कभी अपराकृत तो नाम में रुचि भी हो जाता है। नामाभास के द्वारा जीवों का जो क्रमोन्नति ग्रेजुअल प्रमोशनल प्रोसीजर नामाभास करते करते, नाम अपराध नहीं है, नामाभास में जीवों का क्रमोन्नति विधि क्रमे कर्मोन्नति का प्रोसीजर में बहुत सारे ऐसा भी घटना हुआ है, बहुत अनेक स्थले अपराकृत नाम में रुचि हो जाता है। वाल्मीकि प्रमाण है, काल हम बताया था। वाल्मीकि का नाम तो दूर की बात है, राम नाम राम उच्चारण ही नहीं हो रहा है, राम नाम रटना तो दूर की बात है, इसका हिम्मत ही नहीं है। जिसका हिम्मत ही नहीं कि राम नाम उच्चारण करे तो कैसे जप करे, इतना पापी है, इतना पाप है। जो वाल्मीकि को नारद जी बोल के गया, ठीक है राम नाम दरकार नहीं, तुम बोलते चलो मरा 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 बोल सके ना, मरा राम बोलने बोला मौरा बोल दिया, ठीक है तुम मौरा बोलो। मौरा बोलते 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 मौरा 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 मो मौरा हो गया राम। इसमें तमाम दुनिया का ये जो अपराध किया था वाल्मीकि मुनि, रत्ना का दोष सारे खत्म हो गया। और अजामिल का जिंदगी में चरित्र आलोचना हम करेंगे दो एक दिनों में। इसमें अजामिल का जीवन चरित्र चर्चा करने से सारे ये सब समझ में आएगा। अगर जीवों का जिंदगी में अपराध है तो नाम में रुचि होना संभव नहीं। प्रभुपाद जी का ये भी कहना है, एक महामहापुरुषों का मुखारविंद से हरिकथा सुनने का बावजूद पारमार्थिक मंगल नहीं भी हो सकता है। प्रभुपाद जी ने बताया, एक महामहागुरु वैष्णव का मुखारविंद से हरिकथा सुनने का बावजूद मंगल नहीं भी हो सकता है, अगर पहले का अपराध है। संभव नहीं। जीवों का हृदय में जब तक अनर्थ, कई बार कह चुका, जीवों का जिंदगी में जब तक अपराध रहे, अपराध मतलब अनर्थ, अनर्थ रहे, अपराध अनर्थ ये सब रहे, अपराध एक चीज है, इसके द्वारा अनर्थ उपस्थित होता है। तो जीवों का अपराध के कारण नाम में रुचि होना संभव नहीं होता। अपराध शून्य होकर अनर्थ हटाने का बाद जो कृष्ण नाम ग्रहण करता है, ये नाम तार इसका हृदय में चैतन्य रस विग्रह रूप में अपराकृत हरिनाम का उदय करा देता है। जीवों का अपराध होने से नाम में रुचि दूर की नाम होएगा ही नहीं। अपराध शून्य होके जो व्यक्ति कृष्ण नाम ग्रहण करता है, इनके हृदय में चैतन्य रस विग्रह रूप अपराकृत हरिनाम का उदय हो जाता है। अपराकृत नाम उदित होने का साथ साथ हृदय प्रफुल्ल हो जाता है, आँखों में पानी आ जाता है, शरीर में सात्विक विकार बन जाता है, ये होता है, अपने आप हो जाता है। हरिनाम का इतना प्रभाव है। श्री भागवत जी महापुराण जी में ऐसा लिखा है, अगर ऐसा सुंदर हरिनाम ये उच्चारण करने का बावजूद अगर हृदय में कोई विक्रिया, प्रेमाश्रु कुछ नहीं हुए, तो ये जान लेना चाहिए जिसका पीछे अपराध है। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यदृज्यमानैर हरिनाम देवै न विक्रियेताथो यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रु रोहेशु हर्षो। यदि अगर हरिनाम ग्रहण करते करते हृदय में कोई अश्वसात्विक विकार नहीं हुआ, आंखों में आंसू नहीं आई, रोमांच एक रोमांच नहीं होता, तो फिर ये समझना चाहिए कि अपराध है। जीव जब हरिनाम गुण करता है तब इसका हृदय अवश्य विकृत हो, सत्य आदि विकार युक्त होना जरूरी है, होगा ही। आंखों में आंसू निकल आएगा, शरीर में रोमांच हो जाएगा। और जो व्यक्ति कृष्ण नाम उच्चारण करने का बावजूद कोई विकार, कोई रिएक्शन, कोई प्रेम कुछ नहीं है, तो जरूर ये समझ लेना इसका हृदय कठिन है, इसका हृदय बहुत कठिन है। भक्तिमठ कह रहे तदस्मसारम, ये भागवत जी महापुराण से लिया गया श्लोक, तदस्मसारम हृदयम बतेदम तदगृज्य मानेर हरिनाम देवई न विक्रियेताथो जदा विकारो नेत्रे जलम गात्रो रुहेशु हर्षो। नाम विवर्जित होके नाम करना जरूरी है। इसके बाद श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेद ठाकुर जी ने बताया निरपराध में हरिनाम करना जरूरी है। और निरपराध में हरिनाम करने अगर जाए तो पहले जानना जरूरी है, पहले जानना जरूरी है ये अपराध कितना प्रकार का है। यद्यपि ये नाम अपराध का बारे में विस्तृत व्याख्या चर्चा होना जरूरी है, बाद में हो पाएगा। अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन हो रहा है। 10 किस्म का जो अपराध है, नाम अपराध के साथ जोड़ा हुआ है, नाम अपराध है, ये है साधु निंदा, भगवान से शिव आदि देवता को स्वतंत्र भगवत बुद्धि, 3 नंबर गुरु अवज्ञा, गुरुवावज्ञा, शास्त्रों वेद आदि का निंदा, विश्वास नहीं करना और निंदा करना, शास्त्रों निंदा, हरिनाम का महिमा को ये कुछ नहीं है, ये बाहरी एप्रिसिएशन, ये प्रशंसा है। हरिनाम का महिमा को कुछ नहीं है, बेकार कुछ नहीं रखा, ये प्रशंसा है और कुछ नहीं। सो हरिनाम का महिमा को केवल प्रशंसा बोल के विचार करना ये भी अपराध है। हरिनाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अर्थोबात, दूसरा एक अर्थो खड़ा कर देता, अरे ऐसा बोला है, ये नहीं है, ठीक है, अर्थोबात कल्पना। और नाम बोले पाप बुद्धि, पाप आचरण, नाम की प्रभाव से नाम बोले पाप आचरण, अर्थात नाम करते हुए नाम भी करे और पाप भी करे। अरे नाम का तो क्षमता है ही है, नाम भी करे और पाप भी करे। तो नाम वाले पापाचरण, नाम का जो प्रभाव है, पावर है, इसके प्रभाव का एक प्रभाव का ऊपर विश्वास रख के वो करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे गंगा नहाते हैं, गंगा में दिल्ली से, बम्बे से सेठ लोग सब आते हैं, गंगा नहाते। क्यों? जितना सारे पाप किया, जितना सारे कारोबार में जितना सारे पाप किया, ये पापों को धुलने के लिए, धुलाने के लिए गंगा में आ पहुँचते हैं। ये लोग श्रद्धा करके गंगा मैया को प्यार करके नहाने नहीं आते, ये लोग बदमाश है, एक बड़ा बड़ा गाड़ी फाड़ी ऐसी गाड़ी लेके आ जाते, गंगा में नहा के जय गंगा मैया की बोल के फिर चले जाते। तो ये है नाम बोले पाप आचरण। पूरा महीना भर, हफ्ता भर पाप आचरण किया, फिर हरिनाम करके वो लोग बाहर जाने का कोशिश करता है पाप का। तो नाम बोले पाप आचरण ये भी भयंकर है। दूसरा जो शुभ कर्मों है, दूसरा किस्म का कई सारे शुभ कर्म है, व्रतोपदा, उपवास, तप, तपस्या आदि बहुत सारे हो सकता है मैंने हमने बताया था। चे सप्तग्राम में हरिदास ठाकुर को अपमान किया, किसने? हिरण्यगोवर्धन का सभा का अंदर हरिदास ठाकुर को अपमान किया। किसने किया? ये गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक काल का ब्राह्मण है, काल का ब्राह्मण, वो कुछ उसका विश्वास ही नहीं भगवान का नाम पर। उन्होंने जब हरिदास ठाकुर का नाम का महिमा सुना तो गाली दिया, सुनो ये इमोशनल है, ये इमोशनल है, इमोशनल व्यक्ति का बातें सुनो, फालतू बातें। अरे जो तपस्या में नहीं हो सकता, जो कुछ नहीं जाग जोगे ये नाम पे हो जाएगा, है ऐसा बोल के गाली दिया। ये भाबुकेर कथा सुनो, बांग्ला में बोला, ये भाबुकेर कथा सुनो, क्या इमोशनल है, इमोशनेटिव मूड है। हरिदास ठाकुर ने कुछ बुरा नहीं माना। जब हाहाकार कर दिया सभा में, हरिदास ठाकुर बोले आप लोग चिंता क्यों कर रहे हो, इसका तर्कनिष्ठ मन है, इसीलिए विश्वास नहीं करता, इसको मालूम नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सो दूसरा कोई शुभ कर्मों, चाक यज्ञ तपस्या आदि जिसका बारे में मैं बार बार कहते रहे विभिन्न हरिकथा में भी, जो यत कर्म भीर यत तपस्या ज्ञान वैराग्य तस्जग योगेन दान धर्मेन सेवीर तरैरपी सर्वन मदभक्ति योगेन मदभक्तो लभते अंजसा सर्गा सर्गापवर्गम मध्याम कथंचित यदि वंचित। भक्ति का है सब। भक्ति क्या है? भक्ति का नाम है तन्नाम घृणादिवि, प्यार से भगवान का नाम लेके पुकारना, पुकारा, यही तो भक्ति है। तो एक ही व्याख्या, ठीक है ना। तो नाम, नाम की प्रभाव के ऊपर भरोसा रख के पाप आचरण करना। दूसरा शुभ कर्मों का साथ नाम का, ये समान है, आज एक ही है, योग करने से जो है ये भी है, एक ही है। दूसरा कोई शुभ कर्म का साथ नाम का समान सोचना, और अशुद्ध दान व्यक्ति का प्रति हरिनाम को उपदेश, इसमें भी बड़ा व्याख्या का जरूरी है। अशुद्ध दान व्यक्ति का प्रति हरिनाम, नहीं तो हमारा गुरुवर्गों को आप उल्टा सोचना शुरू कर दोगे। शुद्धाधान व्यक्ति का प्रति हरिनाम उपदेश, इसका व्याख्या हम बाद में करेंगे। नाम का इतना महिमा, अपार महिमा, शोभन करने का बावजूद नाम में अविश्वास है। नाम का अपार महिमा सुनने का बावजूद नाम में विश्वास नहीं है, ये 10 नंबर किस्म का अपराध है। अशुद्धवान व्यक्ति को हरिनाम उपदेश नहीं देना तो किसको देना? अशुद्धवान व्यक्ति को नहीं देना तो किसको देना? जिसका पास कम से कम शुद्ध है। तो इसका व्याख्या क्या है? इसका व्याख्या तो होनी चाहिए ना। जब सनातन गोस्वामी को और हरिदास ठाकुर को महाराज महाप्रभु जी ने भेजा है, ये जाओ प्रति घरे घरे सब कृष्ण नाम बोलो, हर जगह कृष्ण नाम। क्या हर जगह श्रद्धावान थे ये लोग? हैं ये लोग तो श्रद्धावान नहीं थे। इसका व्याख्या विस्तृत रूप में जब हम 10 विध नाम पर बारे में चर्चा करेंगे तब हम करेंगे। साधु भक्तगणों का प्रति अश्रद्धा प्रकाश अर्थात महाजनों का चरित्र का निंदा करने से हरिनाम का प्रति अपराध होता है। अतएव जो व्यक्ति नाम आश्रय में भजन करना चाहता है, ये लोग वैष्णव का वैष्णव निंदा, गुरु निंदा, साधु निंदा ना करें। अगर वैष्णवों का क्रियाक्रम में कोई डाउट आ गया, समझो कि गुरुजी कुछ किया, गुरुजी क्यों किया, ये विनती हाथ जोड़ करके हम जानने का कोशिश करेंगे, गुरुजी आपने क्यों किया। और बिना जानने का कोशिश करे, जानने का कोशिश किया भी नहीं, किए भी नहीं, अगर निंदा करना शुरू कर दे, ये अपराध का कारण हो जाएगा। तो जो व्यक्ति नाम का आश्रय करके भजन करना चाहिए, आश्रय मतलब फुल सेल्टर, पूर्ण शरणागत होके 100% नाम को पर भरोसा रख के आगे बढ़ना। भगवान का साथ शिव ब्रह्मा सब एक ही है, कोई बात नहीं, किसी का भी कर लो पूजा, ये भी भगवान है, वो भी भगवान है। भगवान से शिव आदि, आदि मतलब दूसरा सा देवता, इसको भिन्न दूसरा ज्ञान करना एक माँ हरिनाम अपराध का अंदर गिनती कर गया। भगवत तत्व एक और अद्वितीय, विष्णु से लेकर शिव ब्रह्मा, कोई किसी भी हालत से दूसरा देवता का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब भी नाम में फर्क है, जो शिव आदि सब देवता अलग अलग देवता अलग अलग ईश्वर भगवत्ता, इसका सत्ता नहीं, इसका मान्यता नहीं है। क्यों? तमाम भगवान से आया हुआ। शिव आदि देवता को भगवान का गुणावतार, शंकर गुणावतार में आता है, ब्रह्मा जी भी गुणावतार, राजसिक अवतार, तम गुणावतार अथवा भगवत भक्त बोल के सम्मान करने से और कोई भेद ज्ञान नहीं रहता है। शंकर वैष्णवानम यथाशंभु, ये भी कह सकते हैं। जो लोग महादेव को एक स्वतंत्र देवता बोल के शिव पूजा विष्णु पूजा करें, ये लोग का महादेव का भगवत्ता, ये लोग महादेव का भगवत्ता का स्वीकार नहीं करता है। इसमें से विष्णु शिव दोनों का चरण में अपराध हो सकता। ये लोग हरिनाम आश्रय करने से, ये लोग हरिनाम अगर आश्रय करे तो भेदोज्ञान प्रकृष्ट रूप में परित्याग कर सकता है। गुरु अवज्ञा एक नाम अपराध है, जहाँ से भगवत तत्व जानना संभव है। गुरु की पाही केवलम, जो गुरु का कृपा से हम भगवत तत्व सिद्धांत विचार सब जान सकता है। इस गुरु को ही हम अगर मान्यता ना दे, अन्याय करे, अपराध करे तो गुरु अवज्ञा एक नाम अपराध। गुरु का बात माना नहीं, गुरु एक बोला उल्टा कर दिया। याद रखे, ख्याल रखे, जो गुरु कौन है, बोले भगवान स्वयं है। भगवान भागवत जी महापुराण का 11 स्कंद में खुद बताया जो गुरु कौन है, आचार्य माम भी जाने। तो इसी अवस्था में गुरु को अवज्ञा हो जाए तो मतलब भगवान का चरण में अपराध, भगवान का नाम का चरण में अपराध है। जिनका चरण का कृपा से हमारा भगवत तत्व का विज्ञान का अनुभव होता है, इसको इनके चरण में अपराध करना बड़ा वाकई भयंकर है। ये गुरु चरण को दृढ़ भक्ति करके हरिनाम में अचला श्रद्धा लाभ करना उचित है। गुरु चरण में दृढ़ भक्ति लाभ कर हरिनाम में अचला स्टेबल अचला भक्ति लाभ करना, ये भक्ति में टोर कह रहे उचित है। शास्त्रों का निंदन, वेद आदि शास्त्रों का निंदन, हमने समझा नहीं, अरे वेदों में ये लिखा है, क्या कैसे लिखा है बोल के हमने गाली दे दिया, हमने निंदा कर दी। हमने सोचा भी नहीं, समझा भी नहीं है कि वेद साक्षात ईश्वर है। भगवान ने खुद बताया उद्धव जी महाराज को, वेदस्व ना 6 स्कंद में है ये, अजामिल का उपखंड में, वेदस्व ईश्वर आत्मोत्ता तत्र मुह्यंति सूरयो। 6 शास्त्रों का निंदा ये करना उचित नहीं। अनादि वेद शास्त्रों, स्थिति शास्त्रों, हो सके कि हम समझा नहीं, ठीक है, नहीं समझा तो एक जगह पे जाओ जहाँ कोई महाराज जी है तत्वज्ञानी, हमको समझा देंगे। और अगर बेमतलब कोई निंदा कर दिया तो हो गया छुट्टी हमारा। शास्त्रों का निंदन ये अत्यंत गर्हित है। अनादि वेद शास्त्रों, तदनुगतो स्थिति शास्त्रों आदि, इनमें से विचार करके भागवत धर्मों जानना संभव, आत्मधर्मों जानना संभव है। इसी वेद को वेदांत को अगर हम निंदा करें तो हरिनाम के चरण में निंदा हो जाएगा। वेदादि शास्त्रों में हर वक़्त हरिनाम का ही महिमा देखा जाता है, हर जगह, चाहे तुलसीदास का रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो। इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने ये बात को उठाया है जब वेद शास्त्र में सर्वतो हरिनाम का महत्ता, हरिनाम का महिमा कीर्तित हुआ है। क्या है? वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। तमाम शास्त्रों का निचोड़ जो है वो क्या है? हरिनाम का महिमा का प्रकाश करना। तमाम भागवत आदि सारे हरिनाम का महिमा का प्रकाश करना मतलब भगवान को प्रकाश करना, भगवान का उसमें प्रेम प्रकट करना, एक ही बात है। सो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ अन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। हर जगह, चाहे वेदों में, रामायण में, पुराण में, महाभारत, भारत में, महाभारत में, भागवत में, हर जगह आदि और अंत, शुरू से लेकर अंत तक, हर वक़्त हरि ही सर्वत्र गीयते, हरि का ही प्रशंसा किया। हमने कई जगह दिखाएंगे महाप्रभु कैसे अपना छात्रों को, अपना छात्रों लोगों को हरिनाम का महिमा समझाने का कोशिश कर रहा है। अंतिम में व्याकरण का जो पठन पाठन सब छोड़ के हरिनाम रटना ही जीवन का मकसद है, दिखाया है। ये सब हम प्रमाण करेंगे। तो वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, हर जगह आदि अंते, शुरू एवं अंत तक, हर जगह हरि ही सर्वत्र गीयते। हरि सर्वत्र गीयते मतलब हरि का साथ हरि का नाम भी अभिन्न है, तो एक ही है। जो लोगों का शास्त्रों का निंदा है तो ये लोग हरिनाम का चरण में अपराध है, ये लोग नाम अपराधी है। जिन लोगों का, ये लोगों का हरिनाम में कोई फल नहीं मिलता है, कोई तरक्की नहीं देखा जाता हरिनाम में। दूसरा, कुछ कर्म कांडों, अगर शुभ कर्मों, जाग जाग यज्ञों आदि अनुष्ठान, ये कर्म कांडों आदि, ये जो कर्म कांडों आदि वेदों में इच्छा करके भगवान जगतवासी गलत काम करना शुरू कर दे, अपराध, तो कम से कम गलत रास्ता से बचे। इसलिए महिमा प्रकाश करके फलाना, ये कर्म करने ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा फल मिलेगी, ऐसा करके फलश्रुति कथित तो है। अगर हरिनाम का फलश्रुति, हरिनाम के द्वारा क्या हो सकता, अगर कोई ऐसा विचार करे कि वेदों में ये लोगों को भड़काने के लिए, अरे ऐसा करो, करने से ही मिलेगा, रुचि उत्पादन करने, अपना ख्वाहिश को पूर्ति करने के लिए ये लोग एक एक क्रियाकर्म करते हैं वेदों का, ऋचा का, आदेश का अनुसार। लेकिन हरिनाम का जो प्रभाव है, हरिनाम का महिमा, ये महिमा का साथ दूसरा कर्म कांड में जरूर रुचि उत्पादन कराने के लिए लोग कुछ करेगा नहीं, अच्छा बुरा कुछ तो करे, तो लोगों को काम में लगाने के लिए ऐसा लोभ दिखाकर, इच्छा करके जरूर रुचि उत्पादन हो जाए। कम से कम ये जाग जोग ये सब कर्मकांड में लगे रहे, ये फलश्रुति है, इसलिए किया है। कल इस विषय पर चर्चा हम करेंगे। और दूसरा क्रियाक्रम का जैसे दूसरा क्रियाक्रम का जो फलश्रुति है वेदों में लोगों को बढ़ाने के लिए बोला है, जैसे वो करे रुचि उत्पादन। लेकिन हरिनाम का महिमा अगर ऐसा सोचो तो अपराध है। हरिनाम का महिमा भी ऐसा ही है, वो वेदों में जैसा बोला है, अरे ऐसा करो करने से आपको फलाना मिलेगा, सब ऐसा कर। जो लोग अगर नाम में का फलश्रुति में अर्थोबात करे, ये लोग वाकई ही दुर्भाग्य है, अकलमंदी है, उचित नहीं है। जो लोग सौभाग्यवान, बड़ा सौभाग्यवान, ये रूप अर्थवाद विश्वास नहीं करते। ये लोग जानते हैं कि सचमुच हरिनाम में इतना क्षमता, अनंत शक्ति है। जो इस बातों पर लड़ाई छेड़ गया था, झगड़ा इस बातों पर लड़ाई छेड़ गया था, इसमें हिरण्य गोवर्धन के सभा में, और हरिदास ठाकुर को अपमान किया। इसके बाद ये गोपाल चक्रवर्ती का कोड़ बीमार हो गया, नासा नाग जो है ये गल के निकल आया हाथ में। इसीलिए भागवत जी महापुराण में भी बताया, देखो जो लोग निर्भीक होना चाहते हो, जो लोग निर्भीक होना चाहता है, ये लोग विश्वास करके हरिनाम में पूर्ण परिपूर्ण विश्वास करके ये लोग हरिनाम का अनुकीर्तन करे। अपना मनमानी अगर करे, एकलव्य का माफी जैसा होने वाला नहीं, ये नाम करे। इसीलिए एतत् निवृत्तमानानां मिच्छताम अकुतो भयम योगिनाम निपुणतम हरे नामानुकीर्तनम। भगवान का नाम का अनुकीर्तन करना गुरु वैष्णव का अनुगत्य में ये बड़ा उचित है। बहुत सारे आदमी नामाभास क्या है और नाम अपराध क्या है, नाम असली नाम क्या है, ये समझ नहीं पाते। बहुत सारे आदमी ऐसा सोचता है नाम अक्षरमय, इट इज ओनली वन सिलेबल, सम सिलेबल, जैसे ओम का। इसको वही तो बड़ा महाराज एक तो अक्षर है, वर्ड है, वर्ड भी नहीं है, वो सिलेबल है। लेकिन ध्यान दे, गीता में भगवान स्वयं प्रकाशित कर दिया इस सच्चाई को साबित कर। ओम इति एकाक्षरम जो बाहरण माम अनुस्मरण है, ये श्लोक के द्वारा ओम इति एकाक्षरम, एकाक्षर ब्रह्म मात्र है, ये साक्षात ब्रह्म है। इसलिए जो लोग समझता नहीं कि तो महाराज ये तो वर्ड है, हरे हरे नाम, ये तो वर्ड है महाराज, कुछ नहीं है, ये क्या है, वो तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ ये तो अक्षर है, ये लोग का विश्वास नहीं होता। ये लोग को लगता है कि नाम कुछ सिलेबल अक्षर के द्वारा विरचित एक नाम है, और जड़ जगत का जो नाम है एक है। लेकिन ये नहीं है, नाम को अक्षर में। अतः ये लोग श्रद्धा किए बिना अगर नाम ग्रहण करे तो फल क्या हो सकता। नाम को अगर अक्षर में सोचे कुछ नहीं है, बिना श्रद्धा नाम आदि ग्रहण करने से भी फल क्या हो सकता। अजामिल का प्रसंग में काल हम चर्चा करेंगे, जैसे सांकेतम परिहास्यम स्तोवम हिरणमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अघ हरणम विदु। इस विषय पर चर्चा होना जरूरी है। जे लोग का उल्टा फहमी है, गलत विश्वास नहीं है, वो लोग ध्यान से सुने। नाम को पहले बताया गया कि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नाम नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामे। चैतन्य रस विग्रह और इंद्रियों ग्राह्य नहीं है, मेटेरियल इंद्रियों के द्वारा समझा नहीं जाए, निरपराधे नाम रस आश्रय नहीं करने से निरपराध, विदाउट एनी अपराध, बिना अपराध शुद्ध भूमिका लेकर अनर्थ हटाकर अगर निरपराध के द्वारा हरिनाम ना ग्रहण करे तो नाम का वास्तविक जो फल है ये मिलना संभव नहीं। श्रद्धाविहीन लोग से नाम उच्चारण करने के साथ आज अगर श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धाविहीन लोग से नाम उच्चारण करते 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 बाद में उसका श्रद्धा सहित नाम हो सके। अतः दुष्ट रूप में नाम अर्थवाद करके नाम को जड़ात्मक अक्षर कुछ नहीं है, ये सब कर्मकांड में कर्मकांडों का अंग ये सब जो बोलता है ये लोग नितांत तो मूर्ख है, नाम अपराधी है। वैष्णव गण जो है कोई नाम अपराध बहुत केयरफुली जतन के साथ नाम अपराध को दूरे रखे, नाम अपराध से दूरी रहे, नहीं तो कुछ फल मिलने का कोई चांस नहीं। कभी कभी ऐसा भी आदमी है नाम आश्रय करके सोचा है तमाम हम जो पाप किया है क्या औषधि मिल गया है, और इस विश्वास के साथ प्रवंचना, मिथ्या वचन, लांपट्य, चोरी, डकैती कुछ नहीं, सब करना और नाम उच्चारण करके ये सब पाप को हटाना चाहिए, ये लोग नाम अपराधी हैं। जिन्होंने नाम आश्रय करना चाहे वो चित रस का साधन करके आश्चर्य असत वस्तु में आसक्ति ना करे, करने से उल्टा है। पुनः पुनः पाप करके नाम ग्रहण करना ये तो एक कपट भाव है। आई बात समझ में? इस विषय पर गीता में एक श्लोक है, भगवान ने जो कहा है जो ओपीचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सौ। गीता का इस श्लोक का आधार पर बहुत सारे आदमी उल्टा व्याख्या करते हैं। ये लोग बोलता है देखो ओपीचेत सुदुराचार, भगवान तो कह दिया नाम करता है। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला नहीं, इतना सस्ता नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर का कहने का मतलब है जो व्यक्ति पूर्व संस्कार का अनुसार यद्यपि भगवान का चरण का ही सहारा लिया, लेकिन क्या करे, पूर्व संस्कार इतना खराब है वो रहा नहीं गया, वो थोड़ा उल्टा कर दिया, पापाचरण कर दिया, उसका इच्छा का मतलब किया नहीं, अनजाने में हो गया। ये इच्छा करके मैं पाप करना जरूरी है ऐसा बोल के किया नहीं। भक्तिविनोद तो कह रहे ओपीचेत सुदुराचार, ये सुदुराचार पहले रहे और इस अवस्था में सुदुराचार बोलने से भगवान का भजन करे और इच्छा करके पाप करे ऐसा नहीं। ओपीचेत सुदुराचार पहले सुदुराचार था, ओपीचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग मतलब भगवान छोड़ के दूसरा किसी का सहारा नहीं लिया। ओपीचेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, इसको साधु बोलना उचित है। क्यों? हिज ब्रेन, हिज इंटेलेक्ट इज नाउ वेल ऑर्गेनाइज्ड, सम्यक व्यवस्थित ही सौ। हाँ ठीक है, पूर्व संस्कार खराब, थोड़ा गलती हो गया, इसके लिए ये भक्तों को कोई प्रायश्चित करने का जरूरी है नहीं, इसीलिए इस भक्तों को प्रायश्चित करने का जरूरी नहीं। भगवान ने वादा किया कि अगर कुछ पाप हो गया अचानक पूर्व संस्कार के अनुसार, मैंने हृदय में प्रविष्ट होकर इसका पाप को नाश कर दें, जला देंगे। इसलिए भगवान ने वादा किया जे अगर ऐसा भक्तों का हृदय में अचानक कदाचित अगर पाप हो गया तो धुनोति सर्वम हृदिसन्निविष्टो, कदाचित अगर ऐसा हो गया तो मैं इसका अंदर में प्रविष्ट हूं और इस पाप को हम जला देंगे, इसको जला देंगे, इसके लिए इसको प्रायश्चित करने का कोई जरूरी है नहीं। तो ये पुनः पुनः पाप करके फिर हम नाम करें, ये महान पाप अपराध नाम अपराध है। लेकिन जो भक्तिविनोद ठाकुर ने जो व्याख्या की, जो साधुरेव सम्मंतव्य, ये इच्छा करके नहीं करना चाहता, अचानक हो गया, पहले ये हो गया साधुरेव सम्मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हिस्सा। पुनः पुनः पाप करके अपराध करके नाम करना एक कपट भाव है, ये अपराध बड़ा गंभीर अपराध है। दूसरा आदमी जाग जोग कर्मों दान आदि तीर्थ यात्रा सब जैसे शुभ कर्म हैं, नाम भी ऐसा है, इससे क्या है, एक ही है, ऐसा माफी विचार करे, ये लोग नाम अपराधी होता है। नाम हर वक़्त चिद रस स्वरूप चिदानंदमय रस भरपूर चिन्मय रस से भरपूर है। दूसरा कोई सत्कर्मों का साथ शुभ कर्मों के साथ इसका तुलना उचित नहीं है। क्यों कि समस्त जड़ कर्मों जितना भी जाग जुग कर कुछ भी करो सत्कर्मों सब जड़ोमय है, कुछ भी करो सब जड़ोमय है। जब तक आप चिद विकास का व्यवस्था ना करोगे, मेरा बात समझा नहीं, एक यज्ञ किया, कुछ ऐसा किया, ये किया सब, लेकिन इसमें व्हाट इज द नेट आउटकम, चित चिन्मय भाव का कितना प्रमोशन हो पाया, चित भाव का कितना तरक्की हो गई, ये देखना जरूरी। क्योंकि हर काम जड़ वस्तु, जोगो करो सारे जड़ वस्तु है, दान दक्षिणा करो कुछ भी करो, सत्कर्मों सारे जड़ोमन है, सत्कर्मों सारे जड़ोमय हैं, इसमें चिन्मय नहीं है। लेकिन अगर चित भाव का उन्मेष कर सके तो थोड़ा बहुत फल मिल सकता है। चित भाव का अल्टीमेट मठ मंदिर में अनुष्ठान आदि जो कुछ करे, अगर भक्ति का प्रयोग नहीं है, चित भाव का उन्मेष नहीं तो बेकार हो जाएगा। सारे सर्वान कर्मा अखिलम ज्ञाने परिसमापते। नाम का साथ किसी का तुलना उचित नहीं, चाहे जाग जोग हो, ये तो विजातीय वस्तु है, इसका साथ कोई भी शुभ कर्मों शुभ अनुष्ठान का चर्चा करना उचित नहीं है। जो लोग अपराकृत नाम का आस्वादन नहीं किया है वो लोग ऐसा समझेगा, जैसे शीशा का साथ डायमंड का तुलना करे सिर्फ इसलिए कि बाहरी विचार में एक ही है। नकली हीरा जो कांच है, शीशा है, और हीरा में कितना फर्क है, कितना फर्क है। हीरा में और शीशा का टुकड़ा में जैसे भेद है, हरिनाम और दूसरा कर्मकांडों शुभ कर्मों का साथ बहुत भेद है, अनंत विभेद। अच्छा, इसका बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करें, बाद में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। जो श्रद्धावान व्यक्ति को अश्रद्धावान व्यक्ति को हरिनाम उपदेश करे वो नाम अपराध। क्यों? क्योंकि बंदरों को अगर मोती का माला दो तो कोई फल नहीं है, काटेगा, समझेगा नहीं। तो सूकर को या बंदर को मोती का माला देने से जैसे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि उसका सम्मान नहीं जानता है, केवल मुक्ता फल का, इतना कीमती जेवर का, मुक्ता फल का अपमान अपमानी हो सकता है। ऐसे ही नाम का प्रति जिसका श्रद्धा उदित नहीं हुआ, ये लोग को नाम उपदेश करना नितांत अन्याय है। दूसरा, जितना सारे जीव हैं, ये जीवों का हरिनाम में कैसे श्रद्धा पैदा हो सकता, इसका व्यवस्था करना जरूरी है। तमाम प्रचार का यही असली मकसद होनी चाहिए, तमाम प्रचार का यही असली मकसद होनी चाहिए, दैट हर जीवों का अंदर में नाम का महिमा प्रकाशित हो जाए, नाम में रुचि हो जाए, श्रद्धा हो जाए। आज श्रद्धा होने के बाद नाम उसको देना। बहुत सारे विचार है इसमें। जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी ने भेजा था, महाप्रभु जी ने बोला जारे देखो ताहे करो कृष्ण उपदेश, एक जगह बताया, ये अलग जगह। और ये जो जगह है या नित्यानंद जाहो जाहो नित्यानंद जाहो हरिदास अमार आज्ञा यही करो प्रकाश, जाओ नित्यानंद हरिदास जाओ जाओ हमारा आदेश लेकर करो, इस आज्ञा का प्रकाश करो, हर आदमी को कृष्ण नाम हर आदमी को कृष्ण नाम बुलवाने का कोशिश कर। यह बहुत गहरा विचार है। जैसे महाप्रभु जी ने बताया अमार आज्ञा गुरु हैया तारो ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण बोधना है, ये जो बोला, ये सब विचार करना जरूरी है, नहीं तो समझेगा नहीं। अमार आज्ञा गुरु हैया तारो तारो ये बोला, फिर इसका बाद जारे देखो तारे को है कृष्ण उपदेश क्यों बोला महाप्रभु? क्या हर आदमी का अंदर में श्रोता है क्या? तो महाप्रभु जी ने इस शास्त्र में ये विचार है। 10 किस्म का नाम का अपराध का अंदर में ये भी गिनती में आता है। अश्रद्धावान व्यक्ति को नाम उपदेश, क्या नित्यानंद प्रभु गलती किया, हरिदास ठाकुर गलती किया, महाप्रभु गलती किया, क्या किया? इसका रहस्य क्या है, इसका पीछे राज क्या है, इसका बारे में हम काल चर्चा करेंगे। आज यहाँ कथा का विश्राम दे। भक्तिविनोद ठाकुर का हरिनाम का महिमा के ऊपर जो चर्चा चल रहा है ये बहुत गंभीर है, ये उचित है चर्चा करना विस्तृत रूप में, और नहीं तो उल्टा हो जाएगा। तो कैसे नाम करना है क्या, और नाम अपराध के बारे में और डिटेल्स हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले आगे चलेंगे। तो फिर निखिल श्रोति मौली रत्नमाला दुति निराजित पाद पंकजांत ऐ मुक्तकूलैरुपस्समानं परिस्तश्यं हरिनाम संश्रयामि। निखिलो श्रुतिमौली रत्नमाला दूती निराजितो पादपंकजांतो अयि मुक्तकूलैरुपस्समानं परिस्तश्यं हरिनाम संश्रयामि। वांछाकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।